हम इसमें शास्त्री चौक पे खड़े हैं। आपको बता दें कि यातायात विभाग हमेशा हर समय अवैध स्टैंडों को लेकर कार्रवाई करता रहता है, लेकिन अगर हम शास्त्री चौक की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये शास्त्री चौक ये अवैध स्टैंड का अड्डा बन चुका है। अगर हम जिस रोड पे हम खड़े हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टेम्पू वाले हैं अपनी मनमानी टेम्पू जहाँ मर्जी वहाँ खड़ी कर देते हैं, जिससे यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो सामने के दुकानदार हैं, उन्हें खासा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और अगर हम बात करें उनसे तो भाई साहब इधर आइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम गोलू है। गोलू जी, ये बताइए कि अगर यहाँ पे अवैध स्टैंड के जिस तरह से यहाँ पे लोग खड़े कर देते हैं वो टेम्पू वाले, कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है? बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है सर, कि दुकानदार जो है मतलब कस्टमर जो है दुकान पर आ नहीं पाते हैं, और कस्टमर का जो है गाड़ी आगे बढ़ा तो सब गाली गलौज भी कर लेते हैं, और दुकानदार वाले कुछ बोलते हैं तो सब उल्टा जो है गाली गलौज पे आ जाते हैं, मारपीट पे आते हैं। क्या आपने प्रशासन या पुलिस को कभी सूचना दी इसकी? हाँ, एक दो बार हम लोग यहाँ जो यातायात वाले हैं उनसे बोला गया सर कुछ कार्रवाई करिए, तो आश्वासन मिला है कि हाँ ठीक है कार्रवाई किया जाएगा, परेशान नहीं। कब आपने किया था? अभी हम लोग परसों बोले हैं। परसों बोले और गाड़ी 48 घंटे हो चुके हैं, 48 घंटे में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं, कुछ सुना नहीं है सर, मतलब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे? नहीं नहीं, कुछ नहीं। यानी कहीं ना कहीं धांधली का ये मामला यहाँ पर सामने नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ बात करें चौकी की, तो ये इसकी जिम्मेदारी यहाँ के चौकी इंचार्ज, नगर निगम के चौकी इंचार्ज की बनती है कि यहाँ पर अवैध स्टैंड ये जो टैक्सी या टेम्पो स्टैंड का अड्डा ना बनने दें, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी मिली भगत इसमें साफ साफ नजर आ रही है। यानी प्रशासन के बिना सह पर ये अवैध स्टैंड कैसे यहाँ पर संचालित हो रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। कब से ये स्टैंड संचालित हो रहा है? अरे बहुत दिन से हो रहा है, पूरा जाम हो जा रहा रास्ता यहाँ पे, और सब गाड़ी गिरा भाग जाते हैं, गाड़ी गिरा के भाग जाते हैं। और एक आदमी ठोक दिया, आदमी नीचे गिर गया था, वो सामने बगल वाले टायर वाले दुकान है, वो बेचारा साइकिल लग रहा था, पूरा उसको चोट लग गया पैर में चोट। हाँ, शिकायत पुलिस वालों से करते हैं क्या? क्या कहते हैं? वो कहते हैं हट जाएगा, हट भी नहीं रहा है। क्या नाम है आपका? रानू जी का कहना है कि शिकायत कर रहे हैं, लेकिन शिकायत का कोई असर प्रशासन पे नहीं दिख रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मिली भगत से ये पूरा काम हो रहा है, आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। अगर इनके जो है मेरी खबर चलाने पर अगर इनको न्याय मिलता है या इनको इनका जो है अवैध स्टैंड खत्म होता है, तो कहीं ना कहीं यातायात विभाग की ये अच्छाई मानी जाएगी। इस समय हम शास्त्री चौक पे हैं। सतीश शुक्ला, गोरखपुर।